यार इस टाइम कौन आ गए? अ पार्सल? ओह आई नो व्हाट इट इज। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स फाइनली हियर। This is what you get in the box. Some wires to connect with your camera, very small tool to tighten your screws and the screws themselves with a belt, and your typical quick start guide. And let's not forget the most important thing, the motor. Now, the slider itself. Would you look at that? Wow, that is very smooth. Absolutely beautiful, great colors, a wonderful thing to hold in your hand. So I present you the Hot Dog Motor as a slider by YC Onion, sent to me by W3 Shopping. टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि अब आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये बेसिकली है क्या? इट इज अ मोटराइज्ड स्लाइडर बाय YC Onion। इसका नाम है हॉट डॉग मोटराइज्ड स्लाइडर। एक स्लाइडर है जो आपके बी रोल्स के काम आएगा, आपकी यूट्यूब वीडियोस के काम आ सकता है, आपकी इतनी और चीजों के काम आ सकता है। मेरी तो ऑलरेडी आ रहा है। मीनवाइल जब तक आप ये पैनिंग शॉट देखते हो, आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक यू एंड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू W3 Shopping फॉर लैंडिंग मी दिस फॉर अ रिव्यू। ये उन्हीं की वजह से मेरे पास आया। मेरा दिल नहीं कर रहा वापस देने का, बट एज ए सेड देना पड़ेगा। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शरद गेम्स हियर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्लाइडर बाय YC Onion। ओके, व्हाट अ कूल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वीडियो में जाने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये रिव्यू बनाने में मुझे लिटरली 3 अलग दिन लगे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ लेट्स टॉक अबाउट कि ये बिल्ड क्वालिटी इसकी है क्या, मटेरियल इसमें कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, जो मोटर का अपना मटेरियल है और जो बाउंड्रीज हैं, दे आर ऑल मेटल विच लुक्स वेरी नाइस। लेकिन जो पाइप्स हैं या जो स्लाइडर भी जिसको बोलते हैं, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ बेल्ट, जो बेल्ट है ना वो कार्बन फाइबर का मटेरियल है। आई थिंक इट्स वेरी ड्यूरेबल, ये जो टूटता नहीं है। उसके साथ साथ जो कलर है पूरी डिवाइस का, पूरी मोटर का, पूरी मशीन का, इट्स स्पेस ग्रे। तीसरी चीज़, एज फार एज आई नो इस पर किसी कैमरा वेट की लिमिट नहीं है। मतलब जितनी मैंने रिसर्च किया, अभी तो खैर A7C लगा हुआ है जो कि बहुत लाइट वेट है, बट कैमराज लाइक A7 III, A7S III, रेड अलेक्सा, आई थिंक सो कि ये सपोर्ट कर सकता है। बिकॉज इसकी जो सपोर्ट है ना, जो इसकी आप कह लो लेग्स हैं छोटी छोटी, और जो इसका स्ट्रेट एक पैटर्न बना हुआ है, तो इट बैलेंसेज वेरी वेल। एक चीज़ ज़रूर है जो कि आगे जाके खैर डिटेल में मैंने बतानी थी, बट अभी बता देता हूँ कि मोटर के ऊपर आपका लगता है ट्राईपॉड का हेड, जिसको बॉल हेड भी बोलते हैं। मेक श्योर इट्स वेरी हैवी, बड़ा ड्यूरेबल, बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लास्ट दो चीज़ें जो ओवरव्यू में ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो ये मोबाइल ऐप से कंट्रोल हो जाता है वायरलेसली, वेरी कूल। एंड लास्टली You can control it, yeah, you can capture time lapse by putting the Weeble S on this motor. एक बात ज़रूर है कि recommended जो इसके लिए gimbal है ना, वो DJI का Ronin S या SC या maybe S2 है। ठीक है, जो अभी नया रिलीज हुआ है, Weeble S के साथ भी compatible है, but recommended इसके लिए यू नो परफेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि आपके रिजल्ट्स मैजिकल हों और आप फ्लुएंटली सारा काम करो, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप DJI के gimbals के साथ इसको यूज़ करो। तो हमारा ओवरव्यू यहीं ख़त्म होता है। इतना छोटा सा था, इतनी सी बात थी। अब हम जाते हैं डिटेल रिव्यू की तरफ। इट्स गोइंग टू बी द थर्ड डे, मैंने सारा इसको एक्सप्लोर कर लिया, फिर रिसर्च कर लिया, इसको चला के देख लिया। अब बारी है आपकी। सो फर्स्ट ऑफ वेरी सिंपल, ओपन द मेटेलिक लेग्स एंड सेट देम अप। रिगार्डिंग द बैटरी, आई एम यूजिंग द NPF 970 बाय सोनी। नाउ ग्रैब द मोटर एंड ऑल वी हैव टू डू इज प्लग इन दिस बैटरी वेरी केयरफुली इन द मोटर। उसके बाद प्रेस द पावर बटन फॉर 2-3 सेकेंड्स एंड द मोटर विल टर्न ऑन। एंड हियर इज हाउ टू कनेक्ट योर बेल्ट विद द मोटर। वेरी सिंपल, आपने दरमियान वाले हुक पर अपनी बेल्ट को हैंग कर देना। आई गिव यू द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और आप उसकी नेक पे टायर रैप कर रहे हो। और उसके बाद टर्न योर मोटर टूवर्ड्स द स्लाइडर एंड मेक श्योर आपके स्लाइडर के स्क्रू वाले होल्स आपके मोटर के होल्स के एग्जैक्ट ऊपर आए। द नेक्स्ट स्टेप, टेक 2 स्क्रूज फ्रॉम द पैकेट एंड टाइटन देम अप। उसके बाद कनेक्ट ईच एंड ऑफ योर बेल्ट टू द मैग्नेटिक हुक। बट एज वी कैन सी, अभी बेल्ट जो है वो काफ़ी लूज है एंड वी हैव टू टाइटन दिस अप। एंड बेल्ट को टाइट करने के लिए यू विल यूज द स्क्रूज गिवन इन द बॉक्स। यू विल सी अ वेरी स्मॉल होल ऑन ईच साइड, सो जस्ट पुट इन योर टूल एंड रोटेट इट क्लॉकवाइज।
And finally, the belt is tight. Now here's how to move the motor. If you press the A button, it will move on the left, and if you press the B button, it will move on the right. To explain you further, I'll be using the Sony A7 Mark III with the Sigma 35mm f1.4 and of course a huge tripod ball head. So just mount your ball head on the motor and then mount your camera. Press and hold the button which says A, or jab motor corner par pahunch jaye to press the function button. Aur is tarah humne apna first stop motor ko assign kar diya hai. In the same way, press and hold the button which says B until you reach the end, and press the same function button again to choose and finalize the other stop. Press the function button one more time to complete the loop. Make sure ke motor video ka text display kar rahi ho. So now all we have to do is press the button A, and jo hamara first stop hai, slider automatically us stop tak pahunch jayega. Also aap function button ko rotate karke motor ki speed bhi adjust kar sakte ho. इसी तरह जब आप B का बटन दबाओगे तो मोटर ऑटोमेटिकली अपने सेकंड स्टॉप पर शिफ्ट कर जाएगी। So in order to connect your slider with your mobile phone, make sure your Wi-Fi and Bluetooth are turned on. Open the app and as you can see, I've already connected my device. But what you have to do is go in product category, find your device and connect it easily. Once it's connected, it might show you a window saying you have to update your firmware. अगर आप चाहो तो firmware update यहीं से directly कर सकते हो, but इस video में हम firmware update नहीं कर रहे, तो इसलिए हम सीधा tutorial में जाते हैं. Now by using these arrows, आपने अपना point number A यानी कि first stop finalize करना है, और उसके बाद point number B यानी कि आपने दूसरा stop finalize करना है. And उसके बाद you have two options, either to go for a video shot or a time lapse. इसमें हम video shot पे जा रहे हैं. So अब you can order your slider to move towards the left point number A, move towards point B, or just press the play button so that it moves automatically. Now this is very interesting. By using the exact same method, you have to connect your gimbal with the motor, and then you're able to connect this whole setup with your smartphone. You can easily choose 4 to 5 stops, and the gimbal along with the camera will move according to your own orders. Damn, this review was actually exhausting. It was very hard to digest के इतनी special और इतनी important चीज़ मेरे पास review के लिए आई, but I finally done it. मैंने इसको ठीक से explore किया, इसके features आपको बताए, खुद भी इसको काफी use किया, but now it is time to send it back. So thank you once again W3 Shopping for lending me this device. I totally love it. I do not want to give it back to you, but I have to. तो review अगर पसंद है, जरूर चैनल को आपने subscribe करना है, video को like भी करना है, thumbs up भी देने हैं, comment भी करना है, सब कुछ करना है. मैं मिलता हूँ आपसे next video में किसी अलग interesting topic के साथ. Until then, bye bye.